नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग म्याऊं। 8 अगस्त 2020 को Zomato ने ट्वीट कर दुनिया को बताया कि उन्होंने पीरियड लीव्स शुरू कर दी हैं लड़कियों के लिए। इस फैसले की कुछ हाइलाइट्स जान लीजिए। साल की 10 छुट्टियां मिलेंगी। 10 छुट्टियां इस प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखकर तय की गई हैं कि कुछ पीरियड वीकेंड या दूसरे ऑफ्स के दौरान भी पड़ेंगे। प्रति पीरियड एक पीरियड लीव लेने की इजाज़त होगी। महिला कर्मचारियों से गुजारिश की गई है कि वो ये छुट्टियां तभी अवेल करें जब उन्हें इसकी सख्त ज़रूरत हो और वो इसे अब्यूज़ ना करें, यानी बिना पीरियड के इन्हें ना लें। आश्वासन दिया गया है कि HR की ओर से पीरियड के नाम पर ली गई छुट्टी पर कोई भेदभाव वाली प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी। पुरुष कर्मचारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो पीरियड के चलते छुट्टी ले रही लड़कियों के बारे में कोई भेदभाव भरी या कोई अभद्र बात नहीं कहेंगे। Zomato के इस ट्वीट पर तमाम रिएक्शंस आए और फिर से एक डिबेट छिड़ गई पीरियड लीव्स को लेकर, जो दुनिया के कई हिस्सों में बहुत पहले से चल रही है। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम ये भी देख लेते हैं कि इसके पक्ष और विपक्ष में अक्सर क्या तर्क दिए जाते हैं। विरोधी तर्क क्या है कि हर महिला को पीरियड में एक सी समस्या नहीं होती, फिर हर महिला को छुट्टी क्यों? दूसरा, महिलाओं को नौकरी देने में वैसे भी कॉरपोरेट कंपनियां कतराती हैं, फिर उनको पता चल जाएगा कि अब इनको 10 एक्स्ट्रा छुट्टियां देनी हैं तो वो और भी कतराएंगे, यानी औरतों की हायरिंग पर इससे फर्क पड़ेगा। ये मानना कि महिलाओं को पीरियड में छुट्टी की ज़रूरत है अपने आप में सेक्सिस्ट है। महिलाओं को अतिरिक्त छुट्टियां मिलना उन्हें एक कमज़ोर एम्प्लॉय के तौर पर एस्टैब्लिश करता है। ये तर्क आता है विरोध में। अब समर्थन में क्या तर्क आता है कि महिलाओं के शरीर को कुदरत ने एक अतिरिक्त प्रोसेस दिया है जो पुरुषों को नहीं दिया है, तो अतिरिक्त छुट्टियां देने में हिचक क्यों हो? दूसरा तर्क, पीरियड के पहले दिन अधिकतर औरतें कमज़ोर महसूस करती हैं, इसे स्वीकारने में शर्म कैसी? तीसरा तर्क, अगर पीरियड के नाम पर अलग से छुट्टियां मिलेंगी तो ये पुरुष कर्मचारियों में भी पीरियड की स्वीकार्यता बढ़ाएगा और समाज में पीरियड को लेकर स्टिग्मा कम होगा। यानी अगर किसी मसले पर HR के स्तर से ही बात होगी तो उस मसले को लेकर लोग जल्दी सहज हो जाएंगे। अब आप किसी एक पक्ष के साथ हो सकते हैं या थोड़ा थोड़ा दोनों से सहमत हो सकते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि एक लड़की को आज कोई कंपनी विश्वास दिला रही है कि आप पीरियड का नाम लेकर भी छुट्टियां मांग सकती हैं। पीरियड तो दुनिया की शुरुआत से है, फिर किसी आम दिन कोई आम लड़की अपने बॉस को फोन करके ये छुट्टी क्यों नहीं ले सकती, ये क्यों नहीं कह सकती कि उसे पीरियड हो रहे हैं? हमारे बॉस लोग इतने असहज क्यों हैं कि अलग से पीरियड के नाम पर छुट्टियां शुरू करनी पड़ रही हैं और डिबेट का मसला बन रही है? जानते हैं क्यों? क्योंकि पीरियड को लेकर थोड़ा भी खुलने की कोशिश करें तो चार लोग आपका मुंह बंद करवाने को खड़े रहते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक अक्षय कुमार जैसा कोई पुरुष हीरो आपको आकर ना बताने लगे कि हमें औरतों के हाइजीन का ध्यान रखना है, तब अक्षय कुमार से कोई हौ हौ छी छी नहीं करता। खैर, लौटते हैं लड़कियों पर। जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं उनमें से कितनी ऐसी हैं जो किसी छोटे शहर में रहते हुए अपने पुरुष बॉस से कह सकती हैं कि पीरियड हो रहे हैं तो छुट्टी चाहिए? अक्सर महिलाएं या तो दर्द से कटते शरीर के साथ नियमित ऑफिस जाती रहती हैं या फिर बुखार या घर का अर्जेंट काम बोलकर मजबूरी में छुट्टी लेती हैं। एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम करने वाली 25 साल की सुरभि बताती हैं, मैं अपने ऑफिस के ड्रॉर में पैंटी लाइनर्स और सैनिटरी पैड्स रखती थी। एक पुरुष कलीग जो उम्र में मुझसे 12 साल बड़े हैं, उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरा ड्रॉर खोला, फिर बाद में मुझसे कहा तुम्हारे ड्रॉर में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें रखी हैं, लॉक कर दिया करो। जब मैंने सख्त होकर पूछा कि आपत्तिजनक का मतलब क्या, तो कहने लगे तुम गलत समझ रही हो। अब इसमें गलत समझने जैसा क्या है? मसला पीरियड पर खत्म नहीं होता। साल 2018 में ललन टॉप की ऑर्डिनरी टीम की बात सुष्मिता मिश्रा से हुई थी। हमने डिटेल में उनका मसला उठाया भी था। मसला क्या था? जिस कॉलेज में वो पढ़ाती थी उसके मैनेजमेंट ने नोटिस जारी किया कि लोग भविष्य की लीव्स के बारे में बता दें। उन्होंने बताया कि आने वाले महीनों में उन्हें मैटर्निटी लीव की जरूरत होगी, हालांकि लीव पर जाने के पहले वो सिलेबस खत्म करवा देंगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया, लेकिन उनके मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया गया। वजह बताई गई कि स्टूडेंट्स उनसे खुश नहीं है। जब हमने स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें सुष्मिता मैम के लेक्चर से कोई भी दिक्कत नहीं है। सेल्स प्रोफाइल में काम कर चुकी अपराजिता बताती हैं कि जब वो प्रेग्नेंट थी उनके पीछे एक मेल टीम लगा दी गई ये चेक करने के लिए कि वो लगातार फील्ड में जा रही हैं या नहीं। वाणी प्रकाशन समूह की एग्जीक्यूटिव एडिटर अदिति महेश्वरी गोयल बताती हैं, मैं तब स्कॉटलैंड में थी, तुरंत बी स्कूल से निकली थी और मुझे नहीं पता था कि इन मामलों को कैसे हैंडल करना है।
मुझे एक बार क्रैम्प्स हुए और मैंने अपने बॉस से कहा कि पीपीटी घर से बनाकर भेज देती, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट ही मेरे से लेकर एक लड़के को दे दिया। कई साल बाद मैं जब प्रेग्नेंट थी, मैंने एक क्लाइंट से कहा कि मैं 4 महीने प्रेग्नेंट हूँ, एक मिसकैरेज का शिकार हो चुकी हूँ, इसलिए इस बार रिस्क नहीं लूँगी, मैं ट्रैवल करूँ, इससे अच्छा है कि आप ही आ जाएं मीटिंग के लिए। उधर से तुरंत जवाब आया, लेडीज़ के साथ देखिए यही सब दिक्कत है। जब ये लीडर लेवल की महिला को सुनने को मिल सकता है, तो छोटे प्रोफाइल्स में नौकरी कर रही लड़कियों का तो क्या ही हाल होता होगा। असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के क्षेत्र में हाल और खराब है। 26 साल की रामलली जो घरों में बर्तन सफाई का काम कर रही हैं, फिलहाल प्रेगनेंसी की मिडिल स्टेज में है। जिन घरों में काम करती थी वहां से पहले तो लॉकडाउन के चलते उनकी छुट्टी कर दी गई, अब प्रेगनेंसी के चलते दोहरी मार झेल रही हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता जो उन्हें डिलीवरी के महीने में पेड लीव देने को तैयार हो। कमाल की बात है कि हम वही समाज है जहां औरत माँ ना बने तो उसकी नाक में दम कर देते हैं, शादी के बाद से ही गुड न्यूज़ के लिए लड़की को टोचने लगते हैं, और जब उन्हीं लड़कियों के अधिकारों की बात आती है तो उन्हें कंसिडर ही नहीं करते। जिस बच्चा पैदा करने की क्षमता के चलते कविताओं से लेकर साहित्य तक औरत को देवी बनाते हैं, उसी के आधार पर उन्हें ऑफिसों में पुरुषों से कम आंकते हैं। प्रेगनेंसी और उसके चलते आने वाले बदलाव तो लोगों के सामने दिखते हैं, जब उसको लेकर नौकरी में संवेदनशीलता नहीं दिखती तो पीरियड तो और भी दूर की बात हो गई। लड़कियों से अपेक्षित है कि ये तो हमेशा होने वाली चीज है, हर महीने आता है, लगातार इसके साथ रहते हुए लड़कियों को इसकी आदत हो जानी चाहिए, और लड़कियों को आदत हो भी जाती है। पीरियड से हुई तकलीफों की आदत नहीं, बल्कि उन्हें लेकर चुप रहने की आदत। हमारे स्कूल तक में जब कभी लड़कियां दर्द से असहज होकर घर जाना चाहती थीं या ब्रेक लेना चाहती थीं, तो टीचर झट से बोल देते थे कि इन्हें तो बहाना चाहिए बैठने का। लड़कियों ने कॉलेज से ऑफिस तक ये लगातार सुना है, पहले पीरियड फिर प्रेगनेंसी। औरतों के बारे में ये मिथ पहले से ही है कि वो पुरुषों से कम प्रोडक्टिव होती है, ऐसे में प्रेगनेंसी और पीरियड हमारे समाज को एक नया बहाना दे देते हैं कुछ भी करके औरतों के काम को कम आंकने का। पीरियड में दर्द होने पर लीव लेना समस्या क्यों है, जब बुखार या चोट लगने पर लीव लेना समस्या नहीं है? हैं तो दोनों ही फिजिकल परेशानियां ना। लेकिन हमारा पुरुषवादी समाज हमेशा एक असुरक्षा के भाव से भरा रहता है, कहीं औरत को पुरुष से ज्यादा तो नहीं मिल रहा, कहीं वो छुट्टियों का फायदा तो नहीं उठा लेगी, वो प्रेगनेंसी के दौरान बिना काम किए कैसे सैलरी उठा सकती है। उसी औरत के सैलरी उठाने से दिक्कत होती है जो घर में घंटों का अनपेड लेबर करती है, जिसका रिकॉर्ड किसी जीडीपी में नहीं आता, जिसकी सैलरी उसे कोई नहीं देता। पीरियड लीव आज अलग से मांगी जा रही है, क्योंकि कंपनियों में सिक लीव के क्राइटेरिया में आप कभी पीरियड की तकलीफें फिट कर ही नहीं पाते हैं। कुछ दफ्तरों को छोड़कर बाकियों में इतना स्पेस ही नहीं होता कि लड़कियां बॉस को बता सकें उन्हें असल में तकलीफ क्या है, और सेक्सिज्म तो है ही जो कि सांस लेने जितना कॉमन है। आपकी इस मसले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर मुझसे किसी मसले पर बातचीत करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे लाइव बात कर सकते हैं हर मंगलवार रात 8 बजे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल लटक पर। पता नोट कर लीजिए, लटक.लल्लनटॉप। शुक्रिया।